हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑफ द बेसिक टॉपिक. इफ़ यू फैमिलियर विद दैट, सो यू आर जस्ट सी दिस टॉपिक इफ यू आर फैमिलियर. बट इफ यू डोंट फैमिलियर दिस, इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस, हाउ टू यूज how to use it, so it's simple, but some of the student doesn't understand the difference between this and these, that and those. So let's begin for lecture. This unit number 73, I already told you, I teach you with everything, every topic in this grammar book. These, that, those. What are the difference between them? So let's begin. This is a, you can see, just you see that example and etc. This exercise. You can take a screenshot. Now you can take this, you can put you can do this for every. So now move on the notebook. This means THIS, this in singular. Just see the example. Do you like this picture? Do you like this picture? This माने here के लिए आता है, यानी ये जो चीज़ है ना, जैसे मैं कहूँगा do you like this phone, do you like this phone, यानी ये करीब की चीज़ है, करीब की चीज़ है. So do you like this phone? So this is a singular. I hope you are doing well. This is a singular. Now this THES is plural. This and this, the difference basic. If you familiar with that, please don't waste your time. So like, and you can go. So these flowers are for you. These flowers are for you. These flowers, it's a plural. This is a plural. Flowers is plural because they for use for plurals. These flowers are for you. So now move on the that means it's for singular there, यानी जो चीज़ दूर हो उसके लिए that होता है, जो चीज़ करीब हो उसके लिए ये this होता है या ये this होता है. पर ये singular है, plural है, इसी तरह ये singular है. तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, do you like that picture? अब देखिए यहाँ एक फ़ोन पड़ा हुआ है, do you like that phone, यानी दिस फोन. डू यू लाइक दैट फोन, डू यू लाइक दिस पिल्लो, सो डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दैट, डू यू लाइक. ये ज़्यादा दूर नहीं है, पर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये मान ले दूर पड़ा है. डू यू लाइक दैट बुक, नोटबुक. डू यू लाइक दैट पिल्लो, ये तो करीब है ना, ये ज़्यादा दूर नहीं है. आपको वीडियो में लग रहा होगा दूर है, ये दूर नहीं है. सो बी केयरफुल, यूज दैट एंड दिस एंड दोज. नाउ मूव ऑन द दोज फॉर प्लूरल. वो आर दोज पीपल. पीपल जो है ना, अपने आप में एक क्या है, पीपल को आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये पीपल एक सिंगुलर है. ये पीपल जो है ना, वो ऐसा ही लिखा जाता है. ये पीपल लोग क्या है, बहुवचन ही हुए बहुत सारे, ठीक. वो आर दोस पीपल,
ये ना करे तो एस लगा दे, यहाँ एस लगा दे, एस पीपल्स हो जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप आई एंटिसिपेट यू अंडरस्टैंड। सो वी यूज दिस दैट दिस दोज विद अ नाउन और विदाउट नाउन। अब हम देखते हैं कि नाउन के साथ या नाउन के बिना कैसे यूज़ करते हैं। दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव बट इज़ वेरी नाइस। दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव, ये क्या है, ये होटल जो है ठीक, बट इट्स वेरी नाइस। अब देखें वो इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, आई डोंट नो। डू यू लाइक दिस शूज जो है ना पैर में होते हैं, शू नहीं होता, यानी ये आप निकाल दोगे रॉन्ग हो जाएगा। शूज़ हमेशा पैर में होता है, ग्लासेस पैर में होता है, ठीक है। डू यू लाइक दिस शूज, अब दिस शूज से अब वो यहाँ आप ये करोगे ना दिस DHIS, यहाँ पे वो दिस लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। आई बॉट, यहाँ पे आप वो दिस लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक के लिए होता है ना, ये तो सिंगुलर के लिए नहीं होता, ये दिस इट्स फॉर सिंगुलर। सो यू कैन जस्ट वॉच अप टू एंड द वीडियो एंड आई बॉट डैम लास्ट वीक, यानी मैंने उससे पिछले हफ्ते क्या ख़रीदा है। बाय जो यहाँ लिखोगे गलत हो जाएगा, आई बाय बिकॉज ये पास्ट की हो गई, बाय सेकंड फॉर्म बॉट। सो ग्रामर आपको नहीं आता तो समझ ले कि इंग्लिश नहीं आएगी। दोज एप्पल्स लुक नाइस, अब देखे दोज होता है वो प्लूरल के लिए होता है। कैन आई हैव वन विच ग्लासेस डू यू लाइक मोस्ट, दिस और दोज, यानी ये या वो, ये या वो। अब ग्लासेस के लिए देखे दिस आया ना, ये देखिए ये क्या ग्लासेस जो है ना अपने आप में एक पैर होता है, पैर समझ रहे हैं ना, जुड़वा, तो पैर होगा तो वो प्लूरल में ही होगा, इसलिए यहाँ दिस और दोज आया है, वरना दिस और दैट आता। अब यहाँ एक पेन होता है ना, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, विच पेन यानी ये पेन है ना पेन, ठीक है। अब विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, दिस और दैट, या ये यहाँ पेन पढ़ियो या उधर पढ़ियो। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, दिस इज़ अ बेसिक थिंग, अदर इफ यू डोंट नो दिस थिंग प्लीज सी दी वीडियो अप टू एंड। नाउ मूव ऑन दी दैट दैट समथिंग हैज हैपेंड, आई एम सॉरी आई फॉरगेट टू फोन यू, दैट्स ऑल राइट्स, यानी ये क्या है, ये दैट्स यानी दैट्स इज ऑल राइट। देखे आई फॉरगेट टू फोन यू, मैं आपको फ़ोन करना भूल गया, दैट्स इज ऑल राइट, यानी कोई बात नहीं, चलो। दैट्स वॉज अ रियली नाइस मील, थैंक यू वेरी मच, दैट वॉज समथिंग दैट हैज़ हैपन, यानी जो आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दैट व्हाट समबडी हैज जस्ट इट, यू आर टीचर आर नॉट यू, यानी आपके जो कोई सवाल पूछता है, यू आर टीचर और आर नॉट येट, दैट्स राइट, यानी दैट्स इज, ये एस जो है ना ये बताता है दैट इज राइट, यानी ये आप सही कह रहे हैं। सो मार्टिन हैज़ गॉट अ न्यू जॉब, हैज़ ही, आई डिडंट नो दैट, यानी आप, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो,
दैट मार्जिन वो जॉब नहीं मिली है या नहीं मिली. सो आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक ऑन दैट्स अ नाइस ओ दैट्स नाइट्स. यानी आप दैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आप रोज़ करोगे ना तब बात आपको समझ में आएगी. अब एक आखिरी जो है बात है वो समझा दूँ. वे यूज़ दिस इज़ एंड इज़ दैट. हेलो दिस इज़ जमील. हेलो दिस इज़ जमील. यानी आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो तो आपने ये कहना है आपका नाम हो कोई भी हो. हेलो दिस इज़ जमील. यानी मैं अगर फ़ोन करता हूँ ना स्पीकर, मैंने किसी को फ़ोन किया तो मैं ये कहूँगा. अब उसको ये पूछूँगा इज़ दैट जुनेद. यानी सामने वाला अगर उसका लड़के का नाम उसका जुनेद है, ये जुनेद जो है ना वो जुनेद क्या है, उस मैंने जुनेद को फ़ोन किया है इतना समझ ले. मैं ये बोलूँगा हेलो दिस इज़ जमील इज़ दैट जुनेद. यानी आप जुनेद बात कर रहे हो या जुनेद से बात हो रही है. दैट्स अदर पर्सन. सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू. इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश. वी यूज़ दिस इज़ टू इंट्रोड्यूस पीपल. वी यूज़ दिस इज़ इंट्रोड्यूस पीपल. पीपल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको ये लगाना होता है. देखे ब्राइन जो है दिस इज़ जैक. ब्राइन दिस इज़ जैक. यानी ब्राइन को मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, जैक है. हेलो जैक प्लीज़ टू मीट यू. प्लीज़ टू मीट यू. हेलो. यानी ये जो है ना ब्राइन जो वो ब्राइन तीसरा बंदा है वो जैक के बारे में बता रहा है आपको. सो ये है ना यूज़फुल चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होंगे. ये मुझे नहीं लगता आप जानते होंगे कि दिस इज़ जमील. यानी आप वीडियो शुरू कर रहे हो ना, आपने अगर वीडियो भी शुरू किया है तो ये आप बोल सकते हो कि दिस इज़ आपका जो भी नाम हो, दिस इज़ मोइन, दिस इज़ पठान, दिस इज़ खान एट्सेट्रा. दिस इज़ ये आप इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो में आपके. सो लेट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे. वी विल मीट सून. थैंक यू वेरी मच. स्टे होम स्टे सेफ.